नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। गंगा क्लोजर शुरू हो गया है। दीपावली की रात तक रहने वाले इस गंगा क्लोजर के दौरान गंगा घाटों की मरम्मत सहित गंगा की सफाई का कार्य किया जाना है। गंगा सफाई और घाटों की मरम्मत के लिए किए जाने वाले गंगा क्लोजर को लेकर हालांकि स्थानीय निवासी, व्यापारी और तीर्थ पुरोहित विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आस्था प्रेमियों के लिए गंगा का जल स्नान करने के लिए पर्याप्त रहेगा। पेश है हमारी एक रिपोर्ट। श्रद्धालुओं के लिए हमने जो हमारा पूरा क्लोजर पीरियड है आपका 27-28 सितंबर से 29-20 अक्टूबर तक था। इस बीच हम हर की पैड़ी से मायापुर तक, मतलब पूरा जो उनका हमारा समझौता है 1000 से पानी छिड़ने का, उसके अलावा थोड़ा उनका तो हल्क भी हम उनके लिए कर सकते हैं, श्रद्धालुओं के लिए या यहाँ व्यापार मंडल के लिए, तो हम प्रयास उसके लिए कर रहे हैं। वो आप जैसे रात अपने पानी करती है, आप फिलहाल आपकी पैड़ी को जाकर अगर देखें तो वहाँ पर लगभग आपका 3-3 फुट पानी मतलब बना हुआ है। मैं प्रयास रखूँगा ऐसा कि ये लगातार बना है। आप 20-22 दिन का जो हमारा क्लोजर है इसमें वो किसी श्रद्धालु को, किसी आम जनता को कोई इस तरह की परेशानी नहीं। इस कारण हमारे यहाँ हमें जो गंगा नहरबंदी के आदेश है इसके तहत मायापुर रेगुलेटर से नहर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। बाकी हम लोग अपने जो हमारे गिंगुडा बैराज पे हमारी नहर के गेट हैं उसमें से 6 गेट बंद कर दिए गए हैं, केवल 2 गेट से पानी निकल रहा है। बाकी हमारा जो भगीरथी बिंदु से मतलब पानी आ रहा है वो सीधे हर की पैड़ी पर था, और जो हमारा एक दो ये लिंक के जो गेट हैं ये हम हरकुवाट डैम जो है उससे मतलब इस पानी को नीचे नदी में प्रवाहित कर दे रहे हैं। और जो बात ये आपका ये हर की पैड़ी वाला जो पानी है ये सीधे महत्व ये आपका मायापुर रेगुलेटर है, इससे इसके इसमें डालकर जो आपके शमशान घाट है, अपना सती घाट है, मतलब इस पानी की समुचित व्यवस्था है, तो ये हम लोगों द्वारा अब तक किया गया। तो प्रोजेक्ट है यहाँ से कानपुर तक है तो धन की उपलब्धता के अनुसार किस डिवीजन में कितना किस किस डिवीजन को मिलता है, किस काम के लिए मिलता है, तो वो वर्क है। उसमें जरूरी नहीं कि मतलब हर डिवीजन को कहना काम मिला हो, होता है कि वार्षिक में एक बार मतलब 20-22 दिन के लिए नहर बंद हो जाती तो जिनके हम मतलब बजट है या प्राविधान है उसी सरकार पैसा दे देंगे, तो वहाँ उस जो जरूरी कार्य है वो कर दिए। तो क्या 22 दिन के इसमें हमारे हमारे यहाँ बजट है लगभग 2 करोड़। मैं पुणे से आया हूँ हरिद्वार नहाने के लिए परिवार के साथ। पानी कम है लेकिन फिर भी ठीक लगा ना के, और यात्री लोगों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं इधर सरकार ने दे रखी है, तो कुल मिला के इधर का दौरा काफ़ी अच्छा था। पानी ठंडा था, पुणे के हिसाब से तो काफ़ी पानी ठंडा था लेकिन फिर भी नहा तो नहा के काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी महत्व है, हम हिंदुओं के लिए तो काफ़ी महत्व है। देखिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, देश भर से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और विशेष तौर पर बंगाल और गुजरात के श्रद्धालु इन दिनों में हरिद्वार पर आते हैं, लेकिन हरिद्वार की गंगा को, गंगा के निरंतर चलते हुए प्रवाह को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा आज रात्रि से रोक दिया जाएगा। ये सीधा सीधा हिंदुओं की आस्था पर खड़ा घात है। हरिद्वार का तीर्थ पुरोहित समाज बहुत आक्रोशित है, हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित समाज को श्रद्धालुओं को पूजा कराने में दिक्कत होती है तथा आने वाले श्रद्धालु जो गंगा घाटों पर कलकल करती गंगा को नहीं देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा दुखद स्थिति में।